Hello friends, I am Urmila Rawat, librarian Gujarat Commerce College. My YouTube channel में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ. Friends, आज के युग में सूचना या माहिती का सरलता से प्राप्त होना एक आशीर्वाद है, पर यही सूचना और माहिती उसके ओरिजिनल निर्माता के अनुमति के बिना यूज करना एक अपराध है. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एज, फेयर यूज एंड कॉपीराइट. फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप कॉपीराइट क्या है और उसका फेयर यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में माहिती प्राप्त करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले. फ्रेंड्स, हमने देखा है कि सरलता से जो वस्तु प्राप्त होती है उसका चोरी होना संभव है, और किसी के अनुमति के बिना चोरी करना और उसकी वस्तु का यूज करना एक अपराध है. फ्रेंड्स, ऐसी बातों को और ऐसी मजेदार बातों को हम आज देखेंगे. फ्रेंड्स, पुराने जमाने में हमने देखा है कि चोरी करना ये कोई आजकल की बात नहीं है. पुराने समय में भी चोरी करना और चोरी करने जैसे कार्य करना और उसके अनुसार उसको दंड मिलना स्वाभाविक था. इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमको मिलेंगे कि पुराने जमाने में जो भी कोई कार्य होता था उसकी चोरी होती थी और उसको जो भी वो कार्य करता था उसको फाइन दिया गया हो, सजा मिलती हो, तो ऐसा संभव था. हम इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे कि जैसे राजा और महाराजा थे, उनको किले और भवन का निर्माण बनवाने का बहुत ही इंटरेस्ट था. तो वो जो भी किला और भवन निर्माण करते थे तो उसके जो कारीगर थे वो कारीगर को भवन के निर्माण के बाद उस कारीगर के हाथ या उसके अंगूठे कटवा दिए जाते थे. उसका कारण था कि वो वही किला फिर से ना बना पाए. फ्रेंड्स, यही उदाहरण हमने ताजमहल के निर्माण के जो भी कारीगर थे उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था. तो ये हाथ काटने या अंगूठा काटना ये क्यों होता था? ताकि जो भी बाद में वही कारीगर उसके जैसी प्रतिकृति न बना पाए. तो फ्रेंड्स, यह देखा जाता है कि जो निर्माता है और जो कारीगर है वो अपनी ही प्रतिकृति फिर से नहीं बना पाता. तो यह पुराने जमाने में प्रतिकृति बनाने को रोकने के लिए ये सजा था. तो आज के समय में क्या ऐसा संभव है? तो फ्रेंड्स, यही बात जानने के लिए हम देखेंगे कॉपीराइट और फेयर यूज. फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि आज का युग इंफॉर्मेशन एज है, यानी द इंफॉर्मेशन एज आल्सो नोन एज द कंप्यूटर एज, डिजिटल एज, इंटरनेट एज एंड इंफॉर्मेशन एरा इज एन आइडिया दैट द करंट एज विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रीली एंड to have instant access to knowledge that would have been difficult or impossible to find previously. अर्थात सूचना युग यानी कि कंप्यूटर युग,
डिजिटल युग, इंटरनेट युग और सूचना युग के रूप में भी जाना जाता है। एक विचार है कि वर्तमान युग में व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जानकारी स्थानांतरित करने और ज्ञान की त्वरित पहुंच के लिए विशेषता होगी, यानी कि सरलता से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पर पहले के जमाने में ज्ञान या माहिती खोजना कुछ मुश्किल या असंभव रहा होगा। फेयर यूज, फेयर यूज इज अ डॉक्ट्रिन इन द लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट परमिट्स लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट हैविंग टू फर्स्ट एक्वायर परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर। अर्थात निष्पक्ष उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून में एक सिद्धांत है कि जो कॉपीराइट धारक से पहले अनुमति प्राप्त किए बिना कॉपीराइट सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट रिफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन सिंपलर टर्म्स कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी। अर्थात कॉपीराइट बौद्धिक संपदा के मालिक के कानूनी अधिकार को संदर्भित करता है। फ्रेंड्स, सरल शब्दों में कहा जाए तो कॉपीराइट कॉपी करने का अधिकार है। मिस आप कोई भी निर्माता लेखक के किसी भी कार्य को उपयोग करते हैं, पर वो कानूनी अधिकार के तहत ही उसको उपयोग कर सकते हैं। तो व्हाट इज कॉपीराइट? द एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय लॉ फॉर अ सर्टेन टर्म्स ऑफ ईयर टू एन ऑथर कंपोजर एक्सेट्रा और हिज असाइनी टू प्रिंट पब्लिश एंड सेल कॉपीज ऑफ हिज ओरिजिनल वर्क अकॉर्डिंग ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स, आइए हम कॉपीराइट को सरलता से समझने का प्रयत्न करते हैं। कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो किसी पर्सन को उसके ओरिजिनल वर्क पर ओनरशिप प्रदान करता है, ताकि वह अपने कार्य को रिप्रोड्यूस, पब्लिश और सेल कर पाए। कॉपीराइट लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने कार्यों में क्रमशः लेख, वीडियो, संगीत, नाटक, फोटोग्राफ, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर इत्यादि शामिल है। अर्थात यहाँ निर्माता को उसके कार्य के फल के स्वरूप प्रोत्साहित करके उसको पुरस्कार करना है, अर्थात उसको पुरस्कृत करना है। फ्रेंड्स, व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड? अर्थात देखा जाए तो कॉपीराइट लॉ के अनुसार किस कार्यों को प्रोटेक्ट या रक्षित किया जाता है? तो लिटररी और ड्रामेटिक वर्क अर्थात साहित्यिक और नाट्यात्मक वर्क है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। देन म्यूजिकल वर्क यानी कि संगीतमय कार्य एंड आर्टिस्टिक वर्क यानी कलात्मक कार्य। देन सिनेमेटोग्राफ फिल्म यानी कि फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग यानी कि ध्वनि उत्पादन, फोटोग्राफ्स और कंप्यूटर जनरेटेड वर्क। हुज राइट्स आर प्रोटेक्टेड? फ्रेंड्स, यह कहने का मतलब है कि कॉपीराइट लॉ के अनुसार कौन से ऐसे कार्य है जिसको हम सुरक्षित कर पाते हैं या उसको कानूनी सहायता मिलती है रक्षा के लिए। तो फर्स्ट वन इज कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑथर अर्थात क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट लेखक के अधिकार की रक्षा करता है, अर्थात उसके बौद्धिक गुणों में जो निर्माता है, जो उसका मूलभूत निर्माण करने वाला कार्य है, उसको वो रक्षित करता है। तो उसके कार्य और उस खुद लेखक और उसके कार्य दोनों को वो यहाँ रक्षा देता है।
ही सी इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट, अर्थात कानूनी तरह से जो उसके कार्य के निर्माता है उसको पहला मालिक भी कहा जाता है। मिस फ्रेंड्स, यह कहने का मतलब है कि जो कार्य फर्स्ट टाइम जिसने बनाया है वो उसका पहला मालिक है। एक और बात यहाँ देखने को चाहिए तो, हाउएवर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयर इज द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस राइट्स, अर्थात जो किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में कार्य करता है तो रोजगार के दौरान उसने जो वस्तु निर्माण की है तो उसका मालिक, उसका ओनर वो उसकी कंपनी कहा जाएगा। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टेड वर्क, तो लिटररी और ड्रामेटिक वर्क के लिए उसका निर्माता है ऑथर। देन म्यूजिकल वर्क यानी संगीतमय कार्य के लिए उसका जो कंपोजर है वो उसका ओनर कहा जाएगा। सिनेमेटोग्राफ के लिए उसका प्रोड्यूसर, देन साउंड रिकॉर्डिंग के लिए फिर भी उसका प्रोड्यूसर, देन फोटोग्राफ्स के लिए जो फोटोग्राफर ने जो तस्वीर खींची है वही फोटोग्राफर मीन्स ओरिजिनल फोटोग्राफर है वो फोटोग्राफ के कॉपीराइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन व्हाई कॉपीराइट, तो उसके पक्ष में यानी कि फेवर में देखा जाए तो रिवार्ड्स क्रिएटिव एफर्ट, अर्थात जो लेखक और निर्माता ने अपने रचनात्मक प्रयासों से कुछ नवीन वस्तु प्राप्त की है और उत्पादित किया है तो उसके प्रयासों को यहाँ पुरस्कृत करने के लिए कॉपीराइट दिया गया है। थर्ड वन इज प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटेड, अर्थात जो निर्माता है और जो रचनाकार है उसके हितों की यहाँ कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार रक्षा की जाती है। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए फ्रेंड्स तो प्रोटेक्ट्स कॉर्पोरेट्स इंटरेस्ट ओनली, अर्थात केवल कॉर्पोरेट हितों की रक्षा करता है। मिस अगर आप शिक्षा और रिसर्च के कार्य के अनुसार किसी भी निर्माता के वस्तु को आप सेल करते हो तो ऐसे कार्य में कॉपीराइट लॉ के अनुसार आपको सजा हो सकती है। मीन्स आप किसी भी लेखक या निर्माता या प्रोड्यूसर की वस्तु के उसकी अनुमति के बिना मार्केटिंग पर्पस या सेलिंग पर्पस से उस कार्य को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। देन क्रिमिनलाइजिंग लेजिटिमेट यूज, अर्थात कॉपीराइट लॉ के अनुसार किसी भी वस्तु को अवैध उपयोग अपराधीकरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, कॉपीराइट को हम नेशनल वर्सेस इंटरनेशनल देखने का प्रयास करेंगे तो नो सिंगल इंटरनेशनल कॉपीराइट फॉर होल वर्ल्ड, अर्थात पूरी दुनिया के लिए कोई एक सिंगल अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट नहीं है। देन द कॉपीराइट एक्ट ऑफ ईच कंट्री इज कंप्लायंट विद मोस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, अर्थात प्रत्येक देश का कॉपीराइट अधिनियम अधिकांश अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों के अनुरूप है। अर्थात जो भी दरेक देश के मीन्स प्रत्येक देश के जो भी कॉपीराइट लॉज या हक बनाए गए हैं वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूप से उसका प्रावधान है और ये सारे प्रावधान इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशन और सेमिनार है उसके जो फलस्वरूप जो भी सूचनाएं प्राप्त है उसके अनुसार ही उसमें प्रावधान दिए गए हैं। पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज कॉम्प्लायंट विद दिस इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, यानी कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 इन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों के अनुरूप है, जैसे कि बर्नी कन्वेंशन ऑफ 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1951, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप्स। तो ये सारे जो सम्मेलन है
उसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकला है उसके अनुसार सारे कॉपीराइट अधिनियम के सारे मुद्दा उन स्वरूप से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, कॉपीराइट्स के संदर्भ में हमने ये बेसिक जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर आप कॉपीराइट लॉ के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा अगला आने वाला वीडियो जरूर से देखें। टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स ऑन कॉपीराइट प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो।